एक्सेल के अंदर आज हम एक ऐसे चैप्टर को टच कर रहे हैं जिसको सीखना एक बेसिक के जैसा है, बट अगर इसको सीख लिया तो आपके 20% रिपोर्ट खाली इसी से बन जाता है। गेस कर सकते हैं आप लोग ये कौन सा चैप्टर है जो इतना इम्पोर्टेंट है? शायद नहीं पता होगा लेकिन खूब सुना होगा आपने, पाइवट टेबल। पाइवट टेबल एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने इसको अच्छे से सीखा तो आपके 20% रिपोर्ट एटलीस्ट आप पाइवट टेबल से ही बना देंगे, जितने रिपोर्ट्स आप नॉर्मली बनाते हैं। पाइवट टेबल के बारे में किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है? थोड़ा सा आइडिया है पाइवट टेबल के बारे में? ओके सो सर राकेश सर, आपको कुछ आइडिया है पाइवट टेबल के बारे में? ओके बस यूँ समझ लें कि सर इसमें आपको लॉजिक लगाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपने ये सीखा ना तो आपको लगेगा कि अरे जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है इतना काम करता है, वो कितना आसान काम है। और दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, इसको जितना वेरी लगाना उतना लगा लीजिए, क्योंकि अगर हम एक्सेल के अंदर 5 चैप्टर को लाइन करना चाहेंगे, पॉइंट करना चाहेंगे, तो पाइवट टेबल एक ऐसा ऑप्शन है या एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके आप बहुत सारे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो पाइवट टेबल के अंदर जो सबसे पहली चीज है कि पाइवट टेबल, व्हाट इज पाइवट टेबल, तो व्हाट इज पाइवट टेबल को हम लोग बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल वी कैन समराइज और एनालाइज आवर डेटाबेस। हम अपने डेटाबेस को समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये दो बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, समराइज और एनालाइज करना, मतलब इससे 50 रिपोर्ट्स बन सकते हैं। तो पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रोसेस सीखना होगा कि कैसे पाइवट टेबल बनेगा। तो सिंपल सा स्टेप है, आपको सेलेक्ट होल डेटा, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट पे जाना है आपको पाइवट टेबल के ऊपर, बस इंसर्ट कर लेना है, ओके कर देना है, बस बन गया पाइवट टेबल। बहुत आसान है, करके देखते हैं। सबसे पहले बोला कि भाई डेटा सेलेक्ट कर लो, कर लिया, इंसर्ट में गए और इंसर्ट में पाइवट टेबल सबसे फर्स्ट ही ऑप्शन है, और बोला ओके कर दो। बट ओके करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या है ओके। एक्चुअली वी हैव टू ऑप्शन, आइदर हम अपनी जो पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं वो एक नई वर्कबुक वर्कशीट पे बनाएं। देखो एक ही शीट है अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, शीट 1, और कुछ नहीं है। या तो हम नई वर्कशीट बनाएं या इसी पे बना लें। तो इसी पे नहीं बनाना चाहिए, ऑलवेज आपको नया ही लेना चाहिए, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ओके करना है। तो आप देखोगे ये आपका डेटा शीट है जिस पे डेटा है हमारा, और ये हमारी पाइवट टेबल हो गई, पीवी पीटी पाइवट टेबल। फिर से एक बार देखें क्या किया हमने, पूरा डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, पाइवट टेबल पे क्लिक किया, कुछ नहीं करना, सीधा ओके करना है, एक शीट बन जाएगी और हमारा पाइवट टेबल तैयार हो गया। बेसिकली यहाँ पे इसी पाइवट टेबल को समझना है कि हम ऐसा क्या करने वाले हैं जो हमारा 15, 20, 25% तक रिपोर्ट आप पाइवट टेबल के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले पाइवट टेबल जब आपके सामने आएगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा लेफ्ट साइड में, आपको राइट साइड में कुछ भी नजर नहीं आएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो राइट साइड वाला एक्टिव होता है। देखो बाहर क्लिक करने से नहीं, जब हम पाइवट टेबल, ये इसको पाइवट केस भी बोलते हैं हम लोग,
हालांकि उतना थ्योरेटिकली नहीं समझना है कि किसको क्या बोलते हैं, इसको हम पाइवट केस बोलते हैं। पाइवट केस पे क्लिक करेंगे, यानी जिस एरिया में हमारा रिपोर्ट बनने वाला है इस पे क्लिक करेंगे तो ये एरिया इस साइड हाईलाइटेड होगा, देखो अदरवाइज गायब हो जाता है। इस पे क्लिक करोगे तो ये शो करेगा। तो चलो इस पे क्लिक करके हमने शो करवा लिया। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ये देखिए डबल एरो दिख रहा होगा, इससे ऊपर का पार्ट और इसके नीचे का पार्ट। ऊपर वाला पार्ट कुछ भी नहीं है, आपके डेटा की जो हेडिंग है, यहाँ पे हेडिंग आपको दिख रहा होगा, आपके पास सीरियल नंबर थे, सेल्स नेम था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, लोकेशन, कोर्स और टोटल फीस। जो हमारी डेटा में हेडिंग थी वही हेडिंग आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब आती है चार पार्ट, इसी चारों का यूज है मेजरली पाइवट टेबल के अंदर। इसको हमें यूज करना आना चाहिए, और ये यूज करना आपने अच्छे से सीख लिया तो समझ लो कि आपके 20-25% तक रिपोर्ट आपको सिर्फ इसी से बन सकता है। ये कोई ना तो फॉर्मूला है, फंक्शन है, ना लॉजिक लगाना है, सिर्फ कुछ स्टेप्स होता है जो आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे आधा पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया, नहीं कि आधे ऊपर क्या है, आधा कुछ है नहीं, हमारे डेटा का हेडिंग वाला सब यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे चार पार्ट है, एक का नाम रोज है, एक का नाम कॉलम्स है, एक का नाम वैल्यूज है और एक का नाम फिल्टर्स है। समझते हैं, एक एक करके यूज समझेंगे, बट पहले आपको यहाँ पे समझना है। एक बार फिर से पाइवट टेबल को याद कीजिए कि पाइवट टेबल का मतलब होता है टू समराइज और एनालाइज आर डेटाबेस। अगर मैं पाइवट टेबल नहीं जानता हूँ और हमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बंदे ने कितने का कलेक्शन किया है, तो निकिता निहारिका ने कितने का किया, इसका टोटल सम निकालोगे। बसंती ने कितने निकाले, उसका टोटल। एक एक बंदे की निकालेंगे, अगर लाख दो लाख डेटा अलग रह गया तो सुबह से शाम हो जाएगा निकालने में आपको। मान लो 2000 एम्प्लॉय हैं और हर एक एम्प्लॉय का सेल्स का सम हमें बताना है, तो क्या लगता है कि हमें एक एक बंदे का यहाँ पे नाम लिखते जाए और उसके सामने टोटल सेल्स, यहाँ पे मैंने दे दिया नेम और यहाँ पे दे दिया टोटल सेल्स, ये निकालना है। तो सबसे पहले निहारिका से आप शुरू करोगे, तो फिर फिल्टर करोगे, फिल्टर से जितने भी निहारिका वो सामने आ जाएगा उसके सारे सेल्स को सम करोगे, सम अमाउंट को यहाँ पे लिखोगे। अब सोचो 2000 एम्प्लॉय हैं तो मिनिमम एक मिनट के हिसाब से भी 2000 मिनट लगेगा, तो ये रिपोर्ट आपका एक सप्ताह में बनेगा जो क्वेश्चन हमने किया। एम आई राइट और नॉट? बिल्कुल। अगर मेरे को पाइवट टेबल आता है तो इस चीज़ के लिए हम लोग सिर्फ 2 सेकेंड लेंगे, मिनट भी नहीं, 2 सेकेंड। अब इसी चीज़ को समझना है। पाइवट टेबल को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, टू समराइज और एनालाइज योर डेटाबेस। आपका लाखों डेटा था, समरी ही तो आपने पूछा था कि हर एक बंदे की टोटल सेल्स बता दे, यही तो समरी पूछा था आपने। तो समराइज करने के लिए देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। रो का मतलब रो वाइज होता है, कॉलम का मतलब कॉलम वाइज होता है। सेल्स पर्सन को जैसे ही रो में डालोगे, चाहे वो 10 सेल्स पर्सन आपके हैं या 10,000 हैं, ये सब आपको यूनिक में, यानी सबकी डुप्लीकेसी खत्म, यानी निहारिका का नाम एक ही बार शो करेगा, सफिक का नाम एक ही बार शो करेगा, यानी कि डुप्लीकेसी खत्म, समरी बन गया। यानी कि रो में रख देंगे, रो वाइज नेम का समरी बन गया। और देखिए इसमें पूछा गया टोटल फी, तो टोटल फी को वैल्यूज़ में कैलकुलेशंस के लिए रखते हैं। देखो जो रिपोर्ट के लिए आप पूरे एक सप्ताह या पूरा दिन लगाने वाले थे, हमारे 2 सेकेंड में ख़त्म हो गया। है ना इंटरेस्टिंग? अच्छा, आपने रो समझ लिया और वैल्यूज समझ लिया, क्योंकि इसी चारों का खेल है पूरा एक घंटे। अगर मैंने इसको रोज में नहीं रखा होता, कॉलम्स में रखा होता तो भी कोई बात नहीं था, सेम ही बात था, बट रिपोर्ट वर्टिकल जो दिख रहा था अब आपको हॉरिजॉन्टल, नाम ऊपर उसके नीचे सेल्स, नाम ऊपर उसके नीचे सेल्स। बट क्या लगता है, कॉलम ज़्यादा कॉमन होगा या रोज ज़्यादा कॉमन होगा? आप ही लोग से पूछा हमने कि रो वाइज रिपोर्ट ज्यादा कॉमन लगता है या कॉलम वाइज ज्यादा कॉमन लगता है? यस, 99% केस को हम लोग वर्टिकल ही देखते हैं,
कि भाई आपने कितनी सेल करी है, इस प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है, कितने क्लाइंट हैं, वो कहाँ के क्लाइंट हैं, बिल्कुल सामने सामने हम रिपोर्ट नॉर्मली बनाते हैं इंस्टेड ऑफ कॉलम में। तो वापस इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कि आप रो में रख के काम कर रहे हो या कॉलम में, बट 99% हम रो में। ये दिखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है और कम जगह में आप सारी समरी, ऐसे पता नहीं कितने दूर ये राइट में जाएगा, 50 लोग रहेंगे तो 50 कॉलम, यहाँ पे 50 के लिए भी थोड़े से स्क्रॉल करोगे तो पता चल जाएगा। तो हमारी तीन चीज़ें क्लियर हो गई होगी इसमें होपफुली, कि रोज में करने से कोई भी डेटा का समरी रो वाइज बनता है, कॉलम में करने से कॉलम वाइज बनता है, और वैल्यूज में कैलकुलेशंस होते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस को समझना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता, मैं इसको पकड़ के बाहर खींच देता हूँ तो हट जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ ये क्वेश्चन होता है कि किस बंदे ने कितनी बार सेल किया है, किस बंदे ने कितनी बार सेल किया है, तो आपको किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज को उठा के ले जाने की जरूरत नहीं थी। टैक्स वाली वैल्यू यानी सेल्स वाले को जैसे रोज में रखा, उसी टैक्स को पकड़ो, पकड़ के इस पे छोड़ दो। एक क्वेश्चन का आंसर और बन गया कि टोटल 48 सेल्स हुए हैं जिसमें हर बंदे ने संजोग से चार चार का ही सेल किया है। यहां तक समझ में आया? अगर हमारी फील्ड टैक्स की है, देखिए सेल्स नेम ये टैक्स है, कोर्स टैक्स है, लोकेशन टैक्स है, तो ये सेल्स पर्सन हो गया, ये सब जो टैक्स है ना, टैक्स का सिर्फ काउंट होता है, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, जैसे हमारा टोटल फीस, टोटल फीस का मिनिमम निकाल सकते हैं, टोटल फीस का मैक्सिमम निकाल सकते हैं, टोटल फीस का एवरेज निकाल सकते हैं, टोटल फीस का सम निकाल सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट सम वाले नंबर वाले फील्ड का बाय डिफॉल्ट सम होता है और टैक्स वाले फील्ड का बाय डिफॉल्ट काउंट होता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। जस्ट एक मिनट आप लोग वेट कर लेंगे, अभी एक मिनट भी नहीं, आपको बस कुछ सेकेंड आपको यूज। देखेंगे कुछ मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिखा है, इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। एक तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है कि पाइवट टेबल क्या होता है, इसके बारे में बताया भी था, विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल वी कैन समराइज और एनालाइज आवर डेटाबेस। उसके बाद हमने लिखा है मूवमेंट ऑफ फील्ड्स, पाइवट टेबल क्या है ये आपने सीख लिया। उसके बाद आपने देखा कि मूवमेंट ऑफ फील्ड क्या है, मूवमेंट ऑफ फील्ड क्या होता है कि ये जो चार ऑप्शंस आपको मिले हैं इस फील्ड को कहाँ मूव करना है। अभी हमने तीन के बारे में जिक्र किया है, चौथे के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो मोमेंट में हम सारा फील्ड की बात करते हैं कि किस फील्ड को कहाँ रखना है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभी जो हमारा रिपोर्ट बना है ये बना है कि निहारिका ने यानी हर एक सेल्स पर्सन ने कितनी कितनी बार सेल्स किया है, और अगर मैं टोटल फी भी डाल दूं इसमें नीचे डाल के, तो एक और रिपोर्ट हमारे सामने बन गया कि किस बंदे ने कितनी बार सेल किया है और उसके टोटल कलेक्शन कितने हैं। यहां तक समझ में आया? ग्रेट। लेकिन अब हमारा बॉस बोलता है कि किस पर्सन ने कौन कौन से कोर्स को बेचा है, कोर्स की बात हो रही है, तब आप क्या करोगे, कोर्स को उठा के नाम के नीचे डाल दो यहां रो में। अब आपको बताएगा कि निहारिका ने चार MBA के कोर्स बेचे हैं, सफिक ने चार इंग्लिश के कोर्स बेचे हैं, महेश ने चार, सबके एक 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 डेटा देख रहे हो आप।
अब यहाँ पे हम एक स्टेप और देख रहे हैं। मान लो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि किस बंदे ने कौन से लोकेशन में बेचा। फिर लोकेशन को अगर मैं डाल दूं तो निहारिका ने चेन्नई में बेचा, शफीक ने इलाहाबाद में, इसने सोनीपत में, ऐसे ऐसे करके डेटा बन रहा है। अब मैं एक स्टेप और बना रहा हूँ कि सपोज कि हमने थोड़ी मिक्सिंग कर दी डेटा की, अब क्या हुआ कि हमने अपने मेन डेटा में थोड़ा छेड़छाड़ करा है, यानी थोड़े अपडेट्स किए हैं। अगर मैं अपने मेन डेटा में अपडेट करूं तो क्या लगता है कि आपको अपने पाइवट टेबल पे भी तो अपडेट मिलना चाहिए। अभी देखोगे हमने ये पूछा था कि किस सेल्स पर्सन ने कौन सा कोर्स, तो देखो अभी भी रिपोर्ट में वो क्या कह रहा है, 4 MBA, 4 English, जबकि हमने इधर डेटा में बहुत सारा चेंज करा है। ये बदलना चाहिए फिगर, बट फिगर बदल रहा है अभी तक तो नहीं बदला है। एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं यूज ऑफ रिफ्रेश, यानी जब भी कभी आप अपने रियल डेटा के अंदर यानी सोर्स डेटा के अंदर जिससे आप पाइवट टेबल बना रहे हो इसमें चेंज कर रहे हो तो पाइवट टेबल पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता है आपको, तब तक जब तक कि इसके ऊपर आके राइट क्लिक करना और रिफ्रेश कर देना, दैट्स इट। अब देखो बदल गया, निहारिका ने टोटल 4 ही बेचे हैं बट 2 MBA बेचे हैं, 2 टैक्सेशन के बेचे हैं। शफीक ने 4 ही बेचे हैं बट 3 एक्सेल के और 1 इंग्लिश के बेचे हैं। महेश ने 4 ही बेचे हैं, 4 के 4 टैक्सेशन। बसंती ने 4 MBBS। लाजवंती का देखिए 4 है, 1 अकाउंट, 1 MBA, 2 टैक्सेशन। इस तरीके से आप देख सकते हो कि सारा अपडेट हो गया, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह का अपडेट करते हैं अपने डेटा में, जैसे हमने अपना अपडेट कर दिया इस डेटा के अंदर, अब यहाँ पे मैंने सिटी पे काम करा है, थोड़ा चेंज करा है। मैं एक बार कोर्स को हटा के लोकेशन वाइज देख रहा हूँ, देखिए अभी भी वही आ रहा है, 4 4 लोकेशन। राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए दिखने लगा। निहारिका ने जो 4 किए हैं उसमें से 4 सिटी इन्वॉल्व हुआ है, सफिक का भी 4 हुआ है, सबका देख रहे हैं 4 4 हुआ है, सब अलग अलग सिटी में मूव कर रहा है। एक बार और हम लोग डेटा में चेंज करते हैं, कोलकाता का हमने थोड़ा बढ़ा दिया, पटना का हमने थोड़ा सा डेटा में अपडेट कर दिया, इधर चेन्नई का मैंने थोड़ा सा अपडेट कर दिया। सो फाइनली जितने भी अपडेट किए हैं बस राइट क्लिक करना है, फाइनल रिपोर्ट भेजने से पहले आपको रिफ्रेश कर लेना है। देखिए अब देखेंगे कि निहारिका के 4 हैं, शफीक के 4 हैं लेकिन पटना में 2 है, ये देखिए महेश का, इधर देखेंगे, ये देखेंगे, इधर देखेंगे। आपके डेटा में फरीदाबाद है ही नहीं, मान लो क्रॉस करने के बाद आपने गलती से यहाँ इलाहाबाद डाल दिया था, ये तो फरीदाबाद था, नहीं फरीदाबाद तो है ही, गुरुग्राम भी है ही हमारे पास, मान लो एक लखनऊ डाल देते, लखनऊ भी है, क्या बात है, चलो द्वारका डाल देते हैं, दिल्ली का द्वारका। एक डेटा, एक सेल हमारी द्वारका में और एक सेल इधर, 2 जगह पे द्वारका में हुआ है, जबकि हमारे पाइवट टेबल के अंदर कहीं द्वारका के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। जैसे ही मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे कि द्वारका कहीं ना कहीं
शो करेगा और किस में जिसमें डेटा ये रहा, ब्रजेश वाले में एक द्वारका आ गया और एक द्वारका लाजवंती वाले में आ गया। यानी कि सीधा सा एक चीज बना आपका कि यूज ऑफ रिफ्रेश ऑप्शन कब यूज करते हैं, जब हमारे मास्टर डेटा में किसी तरह का एडिटिंग हो तो रिपोर्ट को फाइनल भेजने से पहले हमें राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना चाहिए। अब देखोगे एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, ऐसे तो वीडियो है ही और इस सीट में भी हमने कमेंट लगा रखे हैं। देखिए अगर आप इसको अच्छे से ये कमेंट पे ध्यान दोगे, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ये देखिए क्या लिखा है, आफ्टर एनी मॉडिफिकेशन इन मास्टर डेटा, मास्टर डेटा मतलब सोर्स डेटा, वी कैन गेट अपडेटेड रिपोर्ट बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। इसको यूज करना है तो आपको अपडेटेड रिपोर्ट मिलेगा। यहां तक होपफुली क्लियर हो गया। अब एक चौथे पॉइंट की बात कर रहे हैं, दैट इज यूज ऑफ फिल्टर। क्या बात कर रहे हैं, यूज ऑफ फिल्टर। अब आ रहा है वो चौथी बात जो अभी तक हमने यूज नहीं किया है। अभी तक मैंने ये तीन फील्ड के बारे में यूज किया कि रोज होता है, कॉलम्स होता है। मैं सबको ऑफ कर देता हूँ एक मिनट के लिए, सब ऑफ कर दिया यहाँ से तो सब पहले जैसा हो गया नॉर्मल। अब मैंने बोला कि किस सेल्स पर्सन ने किस कोर्स को कितने में बेचा, इसका एक रिपोर्ट आ गया कि निहारिका ने दो कोर्स बेचे, इतने इतने का बेचा, सफेक ने भी दो कोर्स, इसने सिर्फ एक ही कोर्स बेचा, ऐसे। लेकिन आपका बॉस बोलता है कि नहीं जी आप हमें सेल्स पर्सन को ऊपर दो। इससे ये हो गया कि जब रिपोर्ट फिल्टर में एक आइटम डाल दिया हमने तो सेल्स पर्सन आ गया। फिल्टर इसीलिए पहले सिखाया कि जब हमने सेल्स पर्सन तो सारे सेल्स पर्सन मिला के इन सारे कोर्स को इतने का बेचा है। लेकिन अब आपके पास फिल्टर ऑप्शन है कि सिर्फ हमें निहारिका का देखना है तो सिर्फ निहारिका का देख सकते हो, सिर्फ बसंती का देखना है सिर्फ बसंती का देख सकते हो, सिर्फ आपको ब्रजेश का देखना है ब्रजेश का देख सकते हो, सिर्फ आपको लाजवंती का देखना है लाजवंती का देख सकते हो। यानी कि फिल्ट्रेशन किस नेम वाले पे करा, इसका उल्टा भी तो हो सकता है, सेल्स को नीचे रखो और कोर्स को फिल्टर में डालो। इसका मतलब यह है कि सारे कोर्स मिला के इन लोगों ने इतने का बिजनेस करा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी एक्सेल में कितनी टोटल कितने का कलेक्शन है, तो एक्सेल सेलेक्ट किया, ओके किया, एक्सेल की टोटल कलेक्शन 5,96,000 की है। इंग्लिश की टोटल कलेक्शन 3,56,000 की है। MBBS में कितने कलेक्शन है, 3,13,000 की है। मतलब यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आप बता सकते हो, हम तो ऐसे ही मेन फिगर बता रहे हैं, लाख और लाख इस तरीके से। सो यू कैन यूज फिल्टर ऑल्सो टू गेट डिटेल्स। मतलब एक एक करके अगर बॉस को ऐसा लगा के भेज दो, अगर उनको कोर्स वाइज रिपोर्ट देखना है तो कोर्स वाइज उनको पता चल जाएगा कि किस कोर्स में कितने एडमिशन हुए, MBBS में कितने एडमिशन हुए और SQL में कितने एडमिशन हुए, कितने का कलेक्शन हुआ है, इस तरीके से वो सारे के सारे रिपोर्ट्स को। तो दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ फिल्टर। यानी कि हमने बोला था कि इसमें पांच पार्ट होता है, पहला आधा पार्ट तो सिर्फ आपके हेडिंग्स हैं और नीचे चार पार्ट हैं, तो होपफुली आपको चारों पार्ट क्लियर हो गया होगा कि ये चारों पार्ट क्या क्या है। तो हमने सीखा कि व्हाट इज पाइवट टेबल, फिर पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, उसके फील्ड को मूव कैसे करते हैं, पूरा खेल ये मूव पे है। यूज ऑफ रिफ्रेश क्यों करते हैं कि 100% है कि हमारा डेटा पे कुछ ना कुछ अपडेट चलता ही रहता है। तो अगर मैं व्हाट इज पाइवट टेबल के अलावा बात करूं या उसके साथ ही बात करूं प्रोसेस को लेके, तो एक हमने प्रोसेस को छोड़ दें तो पाइवट टेबल क्या है, मोमेंट ऑफ फील्ड क्या है, यूज ऑफ रिफ्रेश ऑप्शन क्या है और यूज ऑफ फिल्टर, प्रोसेस को छोड़ के हमने चार पॉइंट्स क्लियर किए हैं। अब बताएं कि चार पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है यहां तक में। एक छोटा सा अदर देन ऐसे नॉर्मल सवाल है रिंकू आपसे, आप बताएंगे कि इस तरह का डेटा तो आपके भी होते होंगे, बस वहां पे फील्ड बदल जाएगा आपके कितने प्रोडक्शन हैं
कितने का कलेक्शन आ रहा है, किस सिटी से बिलोंग करते हैं या किस मदे में आप खर्च करते हैं। क्या लगता है कि इससे काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स बन सकता है बहुत इजीली? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिमी, आप तो यूज करते हैं, आप एचआर में हैं, ऑब्वियसली आपके कई सारे क्लाइंट्स होंगे, किसी को बीपीओ के लिए कोई हो सकता है, वो मैं एक रफ बात कर रहा हूँ, एक बीपीओ वाले बहुत सारे 20-50 क्लाइंट होंगे, कुछ होंगे जो एमएनसी से अलग से जुड़े हुए होंगे, कोई स्पेशली लॉजिस्टिक के लिए सर्च कर रहा होगा, कोई एचआर के लिए, कोई फिनांस के लिए, तो कई सारा डिपार्टमेंट वाइज एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होगा आपके पास, डेटा होगा, रिपोर्ट तो पाइवट से बनाएंगे। तो क्या लगता है कि इससे हम काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करके अपने हिसाब से बना सकते हैं? हाँ, चूँकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। अब ये सोच लो कि आपके चौथी क्लास में आज दूसरी वो क्लास है जिसके बिना आप एक्सेल के बारे में सोच नहीं सकते हो, पहली सॉर्टिंग फिल्टर और दूसरी ये, तीसरी जो 30-35 फॉर्मूले पड़े हैं उसको, फंक्शन पड़े हैं उसको भी आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हो, क्योंकि एडवांस में जब एनालिसिस करेंगे तो उसी फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर आप उतना ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। हमें कोई एनालिस्ट नहीं बनना है, बट ये भी सोच लो कि उससे कम भी नहीं रहना है, जब हम सीख सकते हैं तो एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई। इसमें नहीं बोलते हैं कि आपको 100 चीज़ों में से सभी पे आपको कमांड रखना है, बट इतना तो आइडियोलॉजी जनरेट हो जाती है कि हाँ इससे हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि नहीं इसमें तो ज़्यादा माथा फोड़ी है, ज़्यादा दिमाग लगाना है, छोड़ो इसका क्या करना है, तो यू आर इंडिपेंडेंट कि आप उस टॉपिक पे छोड़ दो, वीडियो टू रिकॉर्डिंग है ही, जब जरूरत पड़ेगी तो एक बार देख लेना कि सर ने क्या बताया था उसके ऊपर। यहां तक क्लियर है जो चार पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया? अगर हम एक लाइन में समरी पूछें कि व्हाट इज पाइवट टेबल, तो क्या आप बताएंगे? ग्रेट, सो देयर आर टू वर्ड्स, एक समराइज और एनालाइज, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप सिमी, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन समराइज एंड एनालाइज? Obviously, किसी ने हमें बोला कि रिपोर्ट बना दो सिटी वाइज, तो सिटी वाइज रिपोर्ट बना दी। एनालाइज ये करना होगा भाई पटना में सेल्स ज़्यादा कैसे है, दिल्ली में कम कैसे हो गया, फरीदाबाद इतना अच्छा क्यों कर रहा है, मुंबई इतना ख़राब क्यों कर रहा है। तो एक होता है समरी निकलेगा तभी आप उस पर एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के लिए उसके समरी पे बैठना पड़ेगा, उसके पीछे के रीजंस की। एक होता है देखेंगे डेटा एनालिस्ट होता है, एक होता बिजनेस एनालिस्ट, इसमें बस इतना ही फर्क होता है। डेटा एनालिटिक्स वाले बंदे को सिर्फ एनालाइज करके दे देना होता है, रिपोर्ट बना के दे देना होता है, बिजनेस एनालिस्ट को ये भी सोचना पड़ता है कि ये कम है तो इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, कौन कौन सा प्रमोशनल एक्टिविटी करें, क्या करें नहीं करें। सो दोनों चीज़ें, अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट करने वाले हैं। उनका शायद लाइट वेट चला गया होगा, बट कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, अगर ज्वाइन कर लेते तो वेल एंड गुड। अब हम एक पार्ट यूज़ करने वाले हैं, इस पांचवें पार्ट का नाम है वैल्यू फील्ड सेटिंग। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो लोग पाइवट यूज़ करते हैं यहाँ तक तो शायद थोड़ा बहुत यूज करते हैं, बट इसके बाद जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बहुत कम लोग यूज़ कर पाते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट इज़ वैल्यू फील्ड सेटिंग। ऐसे इसमें भी कुछ कमेंट लिखा हुआ है, वो कमेंट आपको समझ में भी आने लगेगा जब आप इसकी बात को समझेंगे, इसलिए मैंने इस वाले को नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश पाइवट टेबल पे इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोर्स वाइज टोटल सेल्स निकालते हैं। एक रिपोर्ट हमारे सामने है,
कि किस कोर्स से कितने का कलेक्शन है। कोई दिक्कत है? नहीं है। हम लोगों को करना क्या है कि इस कोर्स, इस फी को दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी मर्जी चाहो उतनी बार इसमें बिठा सकते हो आप, बट हर बार रिपोर्ट सेम ही आएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। हमने टोटल फी को एक नहीं, दो नहीं, तीन बार, चार बार, पांच बार इसमें डाल देना है। चाहे एक बार डालो या 50 बार डालो, वो रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। थोड़ी हेडिंग बदल जाएगी, ये फी था तो ये फी 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब एक साथ हम कई सारा एनालिसिस कर सकते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग के ऑप्शन के थ्रू, जिस पार्ट को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें देखेंगे प्रोसेस भी लिखा हुआ है कमेंट में कि राइट क्लिक करना है आपको पाइवट टेबल पे, देन आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग नाम का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पे सेलेक्ट एनी फॉर्मूला एज पर क्वेश्चन और रिक्वायरमेंट। चलिए देखते हैं इसको थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली करके। ये कहता है कि आप राइट क्लिक करो, कर लिया, फिर बोला वैल्यू फील्ड सेटिंग दिखेगा, दिख गया। इसके बाद बोलता है कि आप कोई भी इसमें से फॉर्मूले सेलेक्ट कर सकते हो जो आप चाहो। तो बाय डिफॉल्ट सब में सम लगा हुआ है, मैंने एक को काउंट करवा दिया। अब देखिए एक एनालिसिस बहुत अच्छे से निकल के आया, सिर्फ ये दो पे देखेंगे कि किस कोर्स से कितने का कलेक्शन हुआ है और वो कोर्स कितनी बार बिका है। यानी टोटल जो 596,460 का कलेक्शन है वो 7 बार सेल्स से हुआ है। ये देखेंगे कि 176,690 176,690 का जो कलेक्शन है वो 8 बारी टैक्सेशन बिका है, 2 आया है। इसी तरह से एक एक का ब्रेकअप आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से डिटेल्स आई है। ये एनालाइज हो रहा है कि कितनी सेल्स पे कितने का कलेक्शन आया है। सबसे ज़्यादा कलेक्शन है लेकिन सबसे ज़्यादा सेल्स नहीं है, उससे ज़्यादा तो सेल्स टैली की है, बट कलेक्शन 2.5 लाख का है और यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा का है। तो ये सब एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब एक फील्ड और मैं लगा रहा हूँ। अब इस फील्ड पे भी सेम प्रोसेस कर रहे हैं, राइट क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग किया, इस बार ना तो सम किया ना काउंट किया, इस बार एवरेज कर लेते हैं। देखिए एक और एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलेगा कि वैसे तो कलेक्शन 596,000 का है और कितने सेल्स हुए थे, 7 सेल्स हुए थे एक्सेल के, और उसका एवरेज क्या रहा, उसका एवरेज रहा 8 लाख से ज़्यादा का सेल, सॉरी 85,000 से ज़्यादा का सेल। अगर मैं बात करूँ SQL की तो इसकी सिर्फ 3 सेल हुई है, इसका एवरेज 20,766 का एवरेज रहा है। इसी तरह से MBA MBBS सबका एक एक का रिपोर्ट की एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको सेलेक्ट करके आप चाहो तो देखो होम टैब में यहाँ सामने होता है नंबर, इसमें आप डेसिमल पॉइंट को या तो 0 कर लो या 2 पॉइंट तक रख लो। 2 पॉइंट तक के लिए ऐसा दिखेगा, 0 करने का मतलब हटा ही 2 पॉइंट्स ताकि क्लियर। देखिए एक्सेल का एवरेज ये निकल आया, सिक्वल का ये एवरेज निकल आया, टैली का ये एवरेज, एक साथ कितनी एनालिसिस कर रहे हैं। जहाँ हम यहाँ काउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे हम उसकी एवरेज निकाल रहे हैं, यहाँ पे उसका सम कर रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक के ऊपर और एनालिसिस करके देख सकते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग। अब कई बार क्या होता है कि भाई सबसे महंगा एक्सेल कितने का बिका है, तो मैक्स, सबसे सस्ता मिनिमम। प्रोडक्ट का यूज नॉर्मली नहीं होता है इसलिए मैंने चार ही लिया, मैक्स करके एक देखते हैं। देखिए एक्सेल जो मैक्सिमम बिका है वो 96,000 का बिका है, सिक्वल जो मैक्सिमम बिका है 20,766 का बिका है, इंग्लिश 95,000 का बिका है। इस तरीके से एक और करके भी चाहो तो एक फील्ड और इंसर्ट कर सकते हो आप यहीं पे, और एक एनालिसिस और हम कर सकते हैं मेन पे भी कर लेते हैं। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है, फॉर्मूले है तो बदलना है। देखिए जहां एक्सेल की मैक्सिमम सेलिंग जो हुई है, सबसे हाईएस्ट कॉस्ट में बिका है, वो 96,000 का बिका है, वहीं पे मिनिमम 70,000 का बिका है। एसक्यूएल के
टोटल तीन बिके हैं और मिनिमम भी यही है, मैक्सिमम भी यही है, एवरेज भी यही है, यानी कि एक्सेल एसक्यूएल के सारे फीस लगभग सेम ही थे, ये पता चल रहा है ना। एक बार आप चाहो तो डेटा में थोड़ा चेंज करके देख सकते हैं। मान लो कि हमने पीछे फिल्टर पढ़ा है, तो हम फिल्टर से एसक्यूएल निकाल लेते हैं एक बार। सिर्फ मैं एसक्यूएल के ऊपर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ करूँगा। देखिए तीनों के फीस सेम है, एक को घटा के 15,000 कर दिया और एक को बढ़ा के 35,000 कर दिया। चूँकि हमने डेटा में बढ़ाया घटाया है तो इसका रिफ्लेक्शन तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश ना करें। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे। आप देखेंगे एसक्यूएल की मिनिमम जो गई है 15,000 की गई है, मैक्सिमम 35,000 की गई है और एवरेज 23,000 की गई है। टोटल तीन ही सेल हैं, तीनों का कलेक्शन भी अब पहले से डिफरेंट है। तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग। इसमें कई चीज़ों की एनालिसिस, ऐसे अर्थमेटिकल ऑपरेशन तीन ही मेजरली होता है, एक सम होता है, एक काउंट होता है, एक एवरेज होता है। 99% केस में ये तीन फंक्शन यूज होते हैं, कहीं कहीं पर मिनिमम और मैक्सिमम पे भी एनालिसिस होती है। तो करने को पांच कर लें, बट हम सजेस्ट करेंगे कि मिनिमम तीन तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये ऐसे काम किया जाता है। अब एक बार फिर से चलते हैं हम लोग इस वाले पॉइंट्स पे। क्या अभी तक के पांचों पॉइंट्स क्लियर हुए आपके? जितने भी डीप ब्लू वाला था, डीप ब्लू वाला का फंक्शन समझ में आया आप लोगों को कि क्या हम बात कर रहे हैं अभी तक? चलिए एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि पाइवट टेबल को समझने के लिए कम से कम दो सेशंस की ज़रूरत पड़ ही जाती है मोटा मोटी, कई बार एक सेशन में भी ख़त्म हो जाता है। बट हम लोग थोड़ा स्मूथ चल के दो सेशंस ले चलते हैं इसको। एक पॉइंट और आपको क्लियर करता हूँ जो बड़ा आसान पॉइंट है। यहाँ पे छठे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, टोटल 10-11 पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें छठे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। एक बार ध्यान देंगे कि क्या लिखा है। ये कहता है कि डबल क्लिक ऑन रिपोर्ट डेटा एंड गेट सेपरेट शीट फॉर दैट आइटम इन डिटेल। चलिए यहाँ से कुछ समझ में आए ना आए, हम सीधा रिपोर्ट पे चलते हैं। अभी जो आपने एनालिसिस किया है तो आपको पता चल गया कि एक्सेल की तीन बिकी है और स्पोकन की पांच बिकी है, टैक्सेशंस की 8 सेल्स हुई है। कल के डेट में आपसे बॉस पूछ दिया कि भाई एक्सेल की सात ही कलेक्शन, सात ही सेल्स में इतने का कलेक्शन हो गया है, थोड़ा सा ऑड लगता है, जबकि दूसरे कोर्स से कलेक्शन 7 से भी ज़्यादा का सेल हुआ है बट कलेक्शन उससे हाफ है या कम है। एक और था सेल जिसकी ज़्यादा दिख रही है, इंग्लिश की, इंग्लिश की 4 ही में लगभग 35,000 3.5 लाख का सेल्स है। अगर आपका बॉस कहता है कि नहीं जी इसका मेरे को पूरा ब्रेकअप चाहिए, इसका ब्रेकअप कैसे देंगे सिम्मी आप? अभी जितना नॉलेज है उसके हिसाब से अगर हमने फिल्टर पढ़ा है तो इसका ब्रेकअप तो बहुत आसान है। मेन डेटा में जाओ और आपको बोला गया है कि एक्सेल पे शक है आपको कि इतना गलत हो सकता है या कुछ, एक्सेल वाले को हमने सिर्फ फिल्टर किया तो बिल्कुल 7 सही आ रहा है और 7ों के कलेक्शन आप देख के यहाँ से इस डेटा को कॉपी कर लो और बॉस को बोल दो कि भाई ये 7 कलेक्शन यही है, सीरियल नंबर 48 पर एक सेल हुआ है, मोइन ने किया है, मोहसिन ने किया है, सफिक ने किया है, किस किस सीरियल नंबर पे बिका है, बिल नंबर या सीरियल नंबर भी देख सकते हो, किस तारीख में बिका, ये भी किस लोकेशन में बिका, पूरी इसको कॉपी पेस्ट करके उनको मेल बॉक्स में दे दो या एक्सेल की सीट बना के दे दो। ये हुआ जब हम फिल्टर का यूज करेंगे, यानी फिल्टर जो पीछे सीखा है उसका यूज में ये क्वेश्चन का आंसर था। अब इसका बहुत आसान ऑप्शन है, कुछ नहीं करना है, इस 7 वाले नंबर पे डबल क्लिक करना है बस। यू विल गेट अ सेपरेट सीट फॉर दैट आइटम। यही तो आप फिल्टर करके निकाल रहे थे,
तो हम लोग फिल्टर में जाना, फिल्टर करना क्यों करें? हम टाइम वेस्ट क्यों करें? एक बार और देखते हैं, हमें शक है कि भाई 8 ही में से टैली के 8 सेल्स के बावजूद इतना कम कलेक्शन क्यों है? मान लो तो 8 पे डबल क्लिक मारेंगे तो एक नई शीट बन गई जो सिर्फ टैली के लिए बना है। आप चाहो तो अपने रेफरेंस के लिए एक शीट का नाम बदल दो, और यहाँ देख लो किस बंदे ने, ये एक्सेल की शीट था, यहाँ एक्सेल लिख दो। यानी डबल क्लिक करो ये पाइवट पे और एक सीट आपको बनता चला जाएगा। बस रिनेम कर लो, रिनेम इसलिए कर लो ताकि आपको नीचे से ही पता चल जाए कि किस सीट पे हमें जाना है ना इंटरेस्टिंग। तो अगर हम अभी तक के 6 ऑप्शंस की बात करें तो 6 के 6 ऑप्शन ऐसे हैं जिसको आप इग्नोर करके नहीं सीख सकते पाइवट टेबल। अगर इतना भी जानते हो, इतना भी जानते हो तो आप 10% तक काम कर सकते हैं पाइवट में, या अपने रिपोर्ट में 30, अपने रिपोर्ट जो आप बनाते हो उसमें से 5 to 10% रिपोर्ट इतनी नॉलेज में भी बना लोगे। और इतना ही लोग ज़्यादातर पाइवट में यूज करते हैं। सिमी, इससे ज़्यादा यूज करते हैं आप? नहीं करते हैं। अब जो भी आपके पॉइंट्स मिलेंगे कल 6, वो इससे भी आगे का होगा। तो बेहतर पार्ट ये है कि इस पार्ट के ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत कर लें। वीडियो है, ये शीट मैं शेयर कर ही रहा हूँ, तो जो जो कलर किया हमने डीप कलर में किया है उसी के ऊपर सिर्फ 6 पॉइंट पे फोकस करना है, बाकी के बारे में टेंशन नहीं लेना है। साथ में थोड़ा बहुत टाइम आपको बचता है तो ऑब्वियसली प्रीवियस डेटा पे आपको वर्कआउट करना चाहिए। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं और इसको स्टॉप कर लें हम।